अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सिहावा विधानसभा रवाना हुए। इस दौरान हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा की। 3/4 विधानसभा कवर करने पर और विधायकों की रिपोर्ट पर सीएम श्री बघेल ने कहा कि मुख्य रूप से शासकीय योजना गरीबों की योजना है, चाहे राशन देने की बात हो या भूमिहीन कृषक मजदूर योजना या अन्य योजना, सभी योजनाओं का लाभ आम जनता उठा रही है। सीएम श्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए विधायकों को भी लगातार उनके कार्य बताए जा रहे हैं। जब कार्य अच्छा होगा तो टिकट काटने जैसी कोई बात नहीं आएगी, लेकिन अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आगे निर्णय किया जाएगा। धर्मांतरण के सवाल पर पीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा धर्मांतरण के नाम पर राजनीति करती है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को इससे क्या तकलीफ है। देखिए, ये धर्मांतरण के नाम से राजनीति करते हैं, इनको मतलब नहीं है कोई धर्मांतरित हो रहा है नहीं हो रहा है, देवरिया हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि 15 साल में जितने चर्चेज बने उतना न उसके पहले कभी बना था न अब ये 4 साल में बने हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हल्ला कर रही धर्मांतरण, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, क्योंकि ये अकेले छत्तीसगढ़ में हो रहा है ऐसी बात नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है वहाँ वो हल्ला नहीं कर रहे हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन है वहाँ चुप हैं, जहाँ उनकी सरकारें नहीं वहीं हल्ला करते हैं, देश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है लोकसभा में भी राज्यसभा में, वो बिल क्यों नहीं लाते, उसको रोका कौन है? तो वो काम तो करना नहीं, उनको तो राजनीति करना है। मतलब समाज में जहर कैसे घोला जाए, भाई भाई से को कैसे लड़ाया जाए, क्योंकि जब तक के वो लड़ाई नहीं कराएंगे तब तक के उनका भला होने वाला नहीं है। तो ये समस्या खड़ा करते हैं, समस्या का निदान नहीं सोचते। यदि करना है तो लोकसभा में आपकी सरकार है पूरी, ये समस्या पूरे देश भर में, और नॉर्थ ईस्ट में सरकार है और वहाँ आदिवासी कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो 50% से 90% तक के हैं, सबसे पहले वहाँ लागू करें वो, फिर यहाँ बात करें, जहाँ सरकारें वहाँ चुप हैं। ये दोहरा मापदंड इनका है। सर, छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी जी उन्हें समझ नहीं आती है, कभी वो शिवभक्त बन जाते हैं कभी उठ जाते। देखो, ये देश में जितने दूसरे देशों में ये है कि उनका एक धर्म है, एक ग्रंथ है, एक उनका इष्ट है। हमारा देश ऐसा है जहाँ अलग अलग मान्यता के लोग हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं कि हम ये नहीं कह सकते यही हमारे सर्वमान्य ग्रंथ है। हम गीता भी पढ़ते हैं, हम वेदों को मानते हैं, उपनिषद को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, तो हमारा कोई एक ग्रंथ नहीं है, हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे हमारे ऋषि हैं। किसी एक ऋषि की बात को हम इसी प्रमाणिक नहीं मान सकते, वो भी प्रमाणिक है, लेकिन दूसरे ऋषि बोले हैं वो भी हमारे लिए प्रमाणित है। तो कोई एक ऋषि हमारा नहीं है, हमारे बहुत सारे ऋषि हैं। उसी प्रकार से हमारे इष्ट बहुत हैं, हम शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। ये देश तो ऐसा है कि गुरु को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, तो जो गुरु है आखिर वो इंसान है, और इंसान अपने तप से अपने अध्ययन से और अपने ध्यान से योग से वो इतना ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं। तो ये तो देश तो ये है, वो आंदोलन भक्ति आंदोलन के ये सबसे बड़ा उपलब्धि कि गुरु है वो गोविंद के बराबर है। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मान्यता हैं, विभिन्न बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। तो खट्टर जी को समझ में आना नहीं है, समझे ना। और भक्त और भगवान के बीच संबंध क्या होता है ये तो कोई भक्त ही जान सकता है, खट्टर जी नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू। जो पार्टीगत है उसमें भी कुछ रिजल्ट तो सामने आया होगा, आप देखे हैं विधायकों की परफॉर्मेंस में क्या करेंगे? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि जो शासकीय योजना है, चाहे गरीबों को
राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया। बीच में आप टेस्ट तो यही होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा, तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे। जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी।